Today we are starting our 11th class lesson, second part. We are not afraid to die. चलो स्टार्ट करते हैं. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours. 3 जनवरी की सुबह तक जो पंप था, तो हम पानी बाहर निकाल रहे थे, वो सफिशेंटली हमारे कंट्रोल में हो चुका था. इतना हो चुका था कि हम इतना एनफ हो चुका था कि 2 घंटे तक हम रोटेशन में रेस्ट कर सकते थे. बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन अभी भी वाटर लाइन के नीचे से कहीं से बहुत ही ट्रेमेंडस लीक था, काफ़ी लीक हो रहा था, पानी अभी भी आ रहा था. ऑन चेकिंग, चेक करने के बाद आई फाउंड, मुझे पता चला दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिव फ्रेम, कि सभी जो बोट है उनका मेन रिव फ्रेम है, जो मुख्य जो ढांचा है, वर स्मैश्ड डाउन टू कील. वो टूट के, जहाज का कील हिस्सा होता है उसकी तरफ जा चुका है, वो टूट के धस चुका है. इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप द वॉल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड. इनफैक्ट वास्तव में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था कि स्टार बोर्ड के हिस्से को जो रोक के रख सके, बचा के रख सके, एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशन, सिवाय कबर्ड के अलमारियों के कुछ पार्टीशन, कुछ हिस्सों को छोड़कर. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. जब से वेव हम हिट हुई थी हमारे जहाज से, वेव वॉकर से, उससे 15 घंटे से हम सर्वाइव कर रहे थे. 15 घंटे हो चुके थे उसे, तो हम इसी हालत में उसको हम सहन कर रहे थे, जहाज को चला रहे थे. बट वेव वॉकर कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ. लेकिन वेव वॉकर अब और ज़्यादा नहीं चल सकता था फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. इतना तो बिल्कुल ही चल सकता था कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएँ. आई चेकड अवर चार्ट्स, मैंने हमारे चार्ट्स में चेक किया, कैलकुलेट किया, ये गणना करी, अंदाज़ा लगाया दैट देर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि ईस्ट की तरफ कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर 2 छोटे छोटे टापू हैं. वन ऑफ दैम मिले एम्स्टर्डम, उनमें से एक का नाम है इले एम्स्टर्डम, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस पे है. आवर ओनली होप वॉज, हमारी एकमात्र उम्मीद ये थी टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इस वास्ट ओशन विशाल समुद्र में वो पिन प्रिक्स को, उन सुई जितनी छोटी सी जगह को रीच होना, पहुँचना. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक विंड हवा और जो लहरें थी समुद्र की वो अबेटेड, कम नहीं हो जाती, वी कुड होइस्ट सेल. तब तक हमें सेल करना था, तब तक उस जहाज पे जो पताका थी वो लहरानी थी. आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे वहाँ तक पहुँचने के चांस भी स्लिम थे, बहुत कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो ग्रेट वेव थी, जो बहुत बड़ी लहर थी, उसने हमारे ऑक्सिलरी जहाज का जो सहायक इंजन था उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, उसको भी खराब कर दिया था. ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को कंटिन्यूस पंपिंग करते हुए लगातार पानी बाहर निकालते हुए 36 घंटे हो चुके थे, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर. अब सिर्फ बाद का लास्ट का कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, बस अब हमें इतना करना था कि जो पानी अंदर कमिंग इन हो रहा था उसके साथ पेस कीप करना था, गति बनाए रखनी थी. मतलब जितना पानी अंदर आ रहा था बस उतना निकालते रहना था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हमारे मुख्य जो मस्तूल था जहाज का उस पर कोई सेल नहीं थी. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुट द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, और जो प्रेशर था, दबाव था उस पर मेन मास्ट पे, उसकी वजह से क्या हो सकता था, हमारे जहाज का जो हल है, हिस्सा है, जो डैमेज सेक्शन है, जो डैमेज हो चुका हिस्सा, वो यदि पुल हुआ, खींचा, तो वो खींच सकता है. एंड सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसीलिए हमें वहाँ स्टॉर्म जिब होइस्ट करनी पड़ी, लगानी पड़ी. एंड हेडेड फॉर, और हम आगे बढ़ गए फिर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, जहाँ मैंने सोचा था कि वो 2 टापू होंगे. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को कुछ कॉर्न, मक्के लगा हुआ जो बीफ था, गाय का मांस मिल गया, एंड क्रैकर, बिस्किट वगैरह. एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और लगभग 2 दिन में हमने अपना पहला खाना खाया. बट अवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो रेस्पाइट थी, जो राहत थी, आराम था, वो शॉर्ट लिव्ड, थोड़े ही समय का था. एट 4 PM शाम को 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस,
काले काले बादल हमारे पीछे से बनने शुरू हो गए। विद इन द आर द विंड वाज बैक टू 40 knots। एक ही घंटे में जो हवाएं थी वापस 40 knot तक पहुंच गई, 40 knot तक। एंड द सी वर गेटिंग हाइयर, और समुद्र की लहरें फिर से और ज़्यादा ऊंची होने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर था, मौसम था, वो पूरी रात खराब होता रहा, डेटरियोरेट खराब होना। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्पेरेट, और 5 जनवरी की डॉन प्रभात काल में हमारी सिचुएशन अगेन दोबारा से डिस्पेरेट थी, निराशाजनक थी। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए उनके पास गया, उनके केबिन में, जॉन आस्ट, जॉन पूछने लगा, जो नरेटर का बेटा है 6 साल का, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसको सांत्वना देने की कोशिश करी, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसको भी झेल लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो फिर भी उसने अपनी बात जारी रखी, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि डैडी हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब इकट्ठे रह सकते हैं तो। तो यही वो लाइन है जो हमारे लेसन का टाइटल भी, एक छोटे से बच्चे की कही हुई बात। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप मम्मी, शू और मैं, यदि इकट्ठे हैं तो मरने का भी डर नहीं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे जिससे मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ, अपने बेटे की उस बात का जवाब दे सकूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने चिल्ड्रन के केबिन को इस डिटरमिनेशन के साथ, इस दृढ़ इरादे के साथ छोड़ा कि मैं फाइट करूँगा सी से, समुद्र से लड़ूंगा हर उस चीज़ के साथ जो भी मेरे पास है, अपनी पूरी ताकत से, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। तो अब बचाने के लिए खुद को सबसे ज़रूरी था जो वीकेंड पर चुका स्टारबोर्ड साइड है जहाज का, जो कमज़ोर हो चुका हिस्सा, उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना। आई डिसाइडेड टू हीव, मैंने फैसला किया कि इसको हीव करा जाए, घुमाया जाए। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, जो अनडैमेज्ड पोर्ट है, जो जहाज का अनडैमेज्ड, जो बिना डैमेज हुआ जो हिस्सा है, उसको ऑनकमिंग आने वाली लहरों को फेस करने के लिए उसको आगे किया जाए। यूजिंग एन एम्पावरिस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप, तो मैंने इसको मजबूत करने के लिए कि एम्पावरिस्ड एक सी एंकर, समुद्री एंकर, हैवी नायलॉन, उसको मजबूत भारी भारी नायलॉन की रस्सियों के साथ उसको एम्पावरिश कर दिया, उसको बांध दिया। एंड 2 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ओ पैराफिन, और 2 22 लीटर के पैराफिन के बैरल, प्लास्टिक की टंकियां वहां रख दी। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस समय, उस शाम को मैरी और मैं इकट्ठे बैठे थे। एज द मोशन ऑफ शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जैसे जहाज की मोशन थी, जो गति थी, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्रोकन प्लैंक से, टूटे हुए तख्तों से अंदर आ रहा था। वी बोथ फील द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ये फील, ये महसूस कर रहे थे कि हमारा जो एंड है वो बहुत ही नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर ने स्टॉर्म, उस तूफान को भी रोड आउट कर लिया, उसके ऊपर से भी गुजर गया। एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जय 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग, हवाएं ईज होना, कम होना शुरू हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट होता है कैंपस पे रीड करने की कोशिश करी। बैक इन द चार्ट रूम, इसीलिए मैं वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, हवा की क्या गति है, इस पर काम किया मैंने। चेंजेज ऑफ कोर्स, क्या क्या चेंजेज हमें करने हैं, ड्रिफ्ट क्या 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 लगाना है, क्या क्या कैसा करंट है, प्रवाह है पानी की लहरों का। टू एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन, तो हर तरीके से हमारी क्या पोजिशन है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी मैंने, कि हमारी स्थिति क्या है इन सब चीज़ों से निपटने की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, तो इतना सब करने के बाद मैं जो डिटरमिनेशन के साथ कुछ कह सकता था वो ये था, द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for 65 kilometer wide island,
कि बस इतना ही कह सकता था कि इस 150,000 किलोमीटर के इस समुद्र में हम एक 65 किलोमीटर की चौड़ी छोटी सी जगह हम ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ उसका कैलकुलेशन ही निकला। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सब सोच रहा था, शो मूविंग पेनफुली, शो आई मेरे पास, शो जो इनकी बेटी है 7 साल की, वो पेनफुली दर्द से मेरे पास आई, जॉइंट भी मेरे पास बैठी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, उसका जो लेफ्ट साइड था सिर का, जो बायां हिस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा सोल हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा सूज चुका था। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरो टू स्लिट, और उसकी काली पड़ चुकी आँखें इतनी नैरो तंग हो चुकी थी कि बिल्कुल स्लिट, बिल्कुल दरारें सी दिख रही थी बस उसमें सूजने के बाद। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने उसके फ्रंट पे कुछ कैरिकेचर, कुछ आकृतियाँ बनाई थी उस कार्ड के ऊपर मैरी की और मेरी, और उस पर शब्द भी लिखे थे, हेयर आर सम फनी पीपल, कि ये कुछ फ़नी पीपल हैं, लोग हैं जो आपको हंसाएंगे। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको हंसा रहे हैं ये? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं उनको देख के बहुत हंसा। इनसाइड वॉज ए मैसेज, जब उस कार्ड को मैंने खोला उसके अंदर एक मैसेज था, संदेश था। वो संदेश क्या था? ओ हाउ आई लव यू बॉथ, उसने शु ने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था कि मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और अब और बढ़िया की उम्मीद करते हैं, बेस्ट की सबसे बढ़िया ही होगा अब जो भी होगा। Somehow we had to make it, किसी भी तरीके से हम इसको सहन कर लेंगे। I checked and rechecked my calculation, मैंने calculation जो गणनाएं की थी वो फिर से check करी। We had lost our main campus, हमारा जो main campus था, दिशा सूचक यंत्र था, वो खो चुका था। And I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation, और एक स्पेयर, एक अतिरिक्त कैंपस था मेरे पास, लेकिन उसका मैग्नेटिक वेरिएशन करेक्ट नहीं था, वो सही काम नहीं कर रहा था। आई मेड एन अलावेंस फॉर दिस, लेकिन फिर भी मैंने उसी को यूज करने की स्वीकृति दे दी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, अब एक दूसरा अंदाज़ा बस यही लगाया जा सकता था कि ये जो इंडियन ओशन है, जो ये हिंद महासागर है, इसके इस हिस्से में मोस्टली वेस्टर्ली करंट, ज़्यादातर पश्चिमी धाराएं, पश्चिमी हवाएं चलती हैं, तो वो पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ही अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिधर से प्रवाह आ रहा है तो वो पश्चिम है। एट अबाउट 2 PM, लगभग दोपहर को 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पे गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और मैंने लैरी को 185 डिग्री पे घुमाने के लिए कहा, जहाज़ को स्टीयर करने के लिए। इफ वी वर लकी, मैंने कहा यदि हम लकी हुए, भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने ये बात उसको कन्विक्शन, बड़े ही विश्वास के साथ कही। आई डिड नॉट फील, लेकिन मैं वो विश्वास महसूस नहीं कर रहा था। आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट PM, मैंने कहा कि उम्मीद है कि यदि हम लकी हुए तो 5 बजे तक, शाम तक हम आइलैंड को ढूंढ लेंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर भारी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपनी बंक पे चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और हैरानी की बात है, डोज्ड ऑफ, मैं ऊँगने लगा, मुझे नींद आने लगी। When I woke, it was 6 PM, जब मैं जागा तो शाम के 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा होने लगा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आईलैंड, मैं जानता था कि हम आईलैंड मिस कर चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और सेल हमारे पास जो बची थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड, इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इस वेस्टर्ली विंड में, इन पश्चिमी हवाओं में वापस उस एक सेल के साथ हम बीट बैक कर सकें, वापस इस समुद्र की लहरों से लड़ सकें। एट दैट मोमेंट ए टाउजर्ड हेड अपियर्ड बाई माई बंक, उसी क्षण एक टाउजर्ड उलझे हुए बालों वाला सिर मेरी बंक के पास मुझे अपियर हुआ दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्ट, वो जोनाथन था, इसका बेटा जो 6 साल का है, तो जोनाथन था, वो कहने लगा कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, आलिंगन कर सकता हूँ। शू वाज राइट बिहाइंड हिम, शू भी उसके बिल्कुल पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्ट, मैं पूछने लगा मुझे हग क्यों किया जा रहा है।
बिकॉज़ यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे संसार के सबसे बढ़िया डैडी हो एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे बढ़िया कैप्टन भी, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने जवाब दिया, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैंने कहा कि मुझे लगता जॉन आज मैं नहीं हूँ, ना बढ़िया डैडी हूँ ना ही बढ़िया कैप्टन। वाई यू मस्ट बी, क्यों नहीं हो, यू मस्ट बी, आप ज़रूर हो, सैड शू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, शू ने कहा बहुत ही दृढ़ आवाज़ में। यू फाउंड द आइलैंड, आपने टापू को ढूंढ लिया है। वॉट आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो वहाँ है हमारे बिल्कुल सामने। दे चोरेस्ट, उन दोनों ने एक स्वर में कहा, एज बिग एज ए बैटल शिप, बस इतना बड़ा वो जितना कोई लड़ाकू जहाज होता है। आई रस्ट ऑन बैक ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ इन द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टर्डम, मैं भागता हुआ डेक पे गया और मैंने गेज्ड दृष्टि डाली राहत के साथ स्टार्क आउटलाइन इले एम्स्टर्डम की आउटलाइन पे, जो बाहरी रेखाएं थी उसके बॉर्डर पे। आई वॉज ओनली, इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये एक वोल्केनिक चट्टानों का एक ब्लीक पीस था, ज्वालामुखी की चट्टानों का एक छोटा सा टुकड़ा था, विद लिटल वेजिटेशन, जिसपे बहुत ही कम वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन संसार का ये सबसे सुंदर टापू था आज हमारे लिए। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात को वहीं पे एंकर किया, वहीं पे लंगर लगाया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड, और अगली सुबह सभी 28 इनहेबिटेंट, वहाँ पे केवल 28 निवासी थे रहने वाले, तो वो सभी इनहेबिटेंट निवासी होता है उस आइलैंड के, चीयर्ड हमें देख के खुश हुए। एंड दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने हमारी किनारे तक आने में मदद करी। विद लैंड अंडर माय फीट अगेन, और दोबारा मेरे पैरों के नीचे लैंड को देखकर, ज़मीन को पाकर, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचारों में बस लैरी और हर्बी थे, वो दोनों क्रू मैन, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो बहुत ही खुश थे, आशावादी थे, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा तनाव में भी वो खुश रहे और आशावादी रहे। एड ऑफ मैरी, फिर मैरी के बारे में सोचा, हु स्टेड एट द व्हील, जो व्हील पे, जो स्टीयरिंग व्हील पे स्टे रही फॉर ऑल दोज क्रिशियल आवर, उन मुसीबत भरे घंटों में। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old girl, मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो वरी नहीं करना चाहती थी, हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी, अबाउट अ हैंड इंजरी, अपनी हेड की, सिर की इंजरी के बारे में, चोट के बारे में, और वो चोट भी बहुत बड़ी थी, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, विच सब्सिक्वेंटली, जो बाद में सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations, 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए उस इंजरी के, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड, रिकरिंग उसमें जो जम चुकी, जो ब्लड क्लॉट थी, खून की गांठ थी, उसको रिमूव करने के लिए, बिटवीन स्किन एंड स्कल, त्वचा और खोपड़ी के बीच में जो गांठ जम चुकी थी उसको निकालने के लिए उसके 6 operations हुए। एंड ऑफ ए 6-year-old boy, और फिर उस 6 साल के लड़के के बारे में सोचा, हु वॉज नॉट एफ्रेड टू डाई, जो मरने से भी नहीं डरा। तो दिस इज वाज लेसन, और काफ़ी एडवेंचरस था।